नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा मौसम है शाम के टाइम, और हम लोगों ने सुबह गेहूं धुल के छत पे फैलाए हुए थे, सूख गया गेहूं। अब हम लोग छत पे आ गए हैं गेहूं साफ़ करने, क्योंकि हम लोग गेहूं को ही साफ़ उफ करके उसमें चना मिला के फिर उसको पिसवा के आटा बनता है, जो उसी से रोटी खाते हैं। मतलब जो बाज़ार से बाहर का आटा आता है उसकी रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं पसंद करते हैं। तो जब भी हमारे घर में आटा ख़त्म होता है तो हम लोग यही गेहूं ही धुल के साफ़ करके पिसवाते हैं, इसमें चना मिला के फिर उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो यहाँ शाम का टाइम है और मैं और मम्मी आ गए हैं गेहूँ साफ़ करने। अब मैं मम्मी छान के गेहूँ मुझे दे रही हैं और मैं थाली में बीन रही हूँ, कि मतलब वैसे तो ये गेहूँ गंदा होता नहीं है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम लोग थोड़ा सा बीन लेते हैं उसको। एक आधी उसमें काला गेहूँ होता है या कुछ, मतलब कंकड़ उंकड़ ना हो, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए बीन लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं थाली में बीनती जाती हूँ, अपने पास ही चना रखी रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाती रहती हूँ। ऐसे करके मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ। एक बार में करीब हम लोग 8-10 किलो गेहूँ पिसवाते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 किलो चना मिलाते हैं, तो फ़ायदेमंद भी है बहुत ज़्यादा, और घर का आटा है तो अच्छा भी रहता है। यहाँ गेहूँ साफ़ करते हुए मैं और मम्मी बातें भी अपना उसी में कर रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा है तो छत पे अच्छा लग रहा है इस टाइम गेहूँ साफ़ करने में। और गर्मी का मौसम तो है नहीं, हल्का हल्का, मतलब अब हल्का फुल्का तो ठंडक आ ही गई है, शाम के टाइम हल्की फुल्की ठंड लगने लगती है। अब यहाँ गेहूँ साफ़ करके फिर हम लोग नीचे जाएंगे, तो हमारी चाय का भी टाइम हो गया है, तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। बच्चे भी अभी ट्यूशन गए हैं तो हम लोग सोचे अब गेहूँ ही साफ़ कर ले, क्योंकि बच्चे शोर मचाते, परेशान भी करते हैं, बच्चे छोटे हैं तो उनके ट्यूशन जाने के बाद ही ऐसा काम हम लोग करते हैं, क्योंकि अध्ययन तो यहाँ अगर आ जाएगा गेहूँ साफ़ करते समय तो वो खेलने लगता है, तो फिर परेशान थोड़ा सा करता है। अद्दू तो नहीं करती है, लेकिन अध्ययन करता है परेशान। गाइस, जब हम लोग आ गए हैं नीचे और 1.25 घंटा लग गया, 1.25 घंटा के लगभग लगा होगा गेहूं साफ़ करने में। तो गेहूं तो साफ़ हो गया है और अंधेरा भी हो गया था छत पे, क्योंकि 5:30-6 बजे से अंधेरा हो ही जाता है। तो फिर अब नीचे आए हम लोग, तो अभी बच्चे ट्यूशन से नहीं आए हैं, अब बच्चे ट्यूशन से आएंगे, फिर उनको मैं दूध वगैरह दूँगी। और अब जा रही हूँ चाय बनाने। पहले तो मेरे कपड़े पड़े हैं, जो रोज़ के कपड़े होते हैं हम लोग का छोटा मोटा, वो हम लोग हाथ से ही धो लेते हैं, तो कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उसको तह लगा रही हूँ। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, उनको दूध दूंगी और चाय भी बन जाएगी मेरी, तो हम लोग फिर चाय वगैरह पियेंगे, फिर आपसे मिलते हैं तभी। यहाँ अब हम लोग चाय वाय पी चुके हैं, अब मैं कपड़े तह लगाने आ गई हूँ। मैं तो पहले कपड़े लगाने के बाद चाय बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी का मन कर गया कि बोली नहीं पहले चाय बना दो, क्योंकि ऊपर से मेहनत करके आए थे भाई, गेहूं हम लोग साफ़ किए थे, तो थोड़ा सा मम्मी को मतलब उनका मन कर रहा था कि पहले चाय ही पी लें। तो पहले मैं चाय बनाई हूँ और बच्चे भी आ गए थे तो उनको दूध वगैरह दे दी हूँ। सब हम लोग चाय वाय पी चुके हैं, तो फिर मैं अब आ गई कपड़े तह लगाने। अब कपड़े तह लगाने के बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो यहाँ थोड़े मोड़े कपड़े हैं बच्चों के और मेरे मम्मी के, क्योंकि हम लोग जो नहाते हैं, जो कपड़ा निकलता है तो उसको तुरंत धो लेते हैं, उसको रखते नहीं हैं मशीन में धोने के लिए, तो छोटे मोटे कपड़े रोज़ ही धो लेते हैं हम लोग। शाम के टाइम अगर बच्चे दूध दूध वगैरह पी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि अभी आराम से बैठ के पढ़ेंगे, इनको भूख नहीं लगेगी। तो पहले मैं ये सब काम ख़त्म कर ली, उनको दूध दे ली और सबको चाय बना के दे दी, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स में हो गई हूँ। अब कपड़े उपड़े तह लगा लूँगी, फिर तब डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मेरे कपड़े भी अब तह लग ही गए हैं ऑलमोस्ट। बना रहे भाभी सांभर?
इस टाइम। वाओ। फिर भाई सुबह नाश्ता में भी रहेगा ना अद्दू का? क्यों, कल तो इनको हॉलिडे है ना। अद्दू को ताइक्वांडो का वो है ना टूर्नामेंट। अच्छा हाँ, कल तो 8 तारीख है ना। और अद्दू को तो यही सब चाहिए होता है, इसको तो खाना से मतलब नहीं है। इसको यही सब दो, सांभर इडली डोसा और पनीर। साउथ इंडियन दूध कौन सा पीती है? दूध पीती हूँ। दूध अब 3-4 दिन से लगातार पीने लगी है। 3-4 दिन से? वो तो इसलिए ना क्योंकि इनके सर ने बोल दिया है, सर ने बोला कि टूर्नामेंट में लेंगे ही नहीं, इसलिए पीने मंडे से मंडे एक हफ्ता हो गया। तो अभी सर के खाने पे ना पी तो नहीं रहा मम्मी, मैं इस डर से पी रही है कि टूर्नामेंट में सर नहीं लेंगे, खाएगी पिएगी तो लेंगे ही नहीं। स्कूल से फ्रूट आपकी बचा के आई थी, एक ही तो फ्रूट था वो भी बनाना, तो वो भी तो नहीं खा के आई, दो खास खा पाती। कोई नहीं, बात कर लेना इनके ना सर से एक बारी कि ये लोग ना सिर्फ उसी टाइम पे सारी एक्सरसाइज और सारी चीज़ तब करेंगे जब इनका फाइनल होता है, अदरवाइज नहीं करते ये लोग। सब्जियां मेरी कट गई हैं तो मैं सांभर बनाने के लिए अरहर की दाल थोड़ा सा ली थी, पहले उसको धुल के डाल ली हूँ और ज़्यादा कुछ सब्जियां तो नहीं डाली हूँ, बस घिया और पेठा ही डालूँगी। कहीं कहीं इसको सीताफल बोलते हैं, हमारी यूपी साइड में इसको कोहड़ा बोलते हैं, तो कोहड़ा और घिया मैली हूँ और दाल ये सब उबल, पहले सब्जियाँ उबल जाएंगी फिर मैं सांभर बनाऊँगी। इसमें दाल डाली हूँ, घिया और पेठा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी हींग डाली हूँ। पहले मैं इसको अच्छी तरह से खूब एकदम उबाल लूँगी, मतलब गल जाएगा एकदम। तो यहाँ मेरा सांभर जो मैं उबाल रही थी उबल गया था, तो यहाँ मैं प्याज 2-3 प्याज काटी थी और उसको फ्राई करने के बाद तड़के में वो डाली थी राई और लाल मिर्च और करी पत्ता, तो सब फ्राई हो गया, मेरा मसाला भी फ्राई हो गया और सांभर बनके तैयार हो गया है। अब मैं फटाफट इडली भी बना ली क्योंकि सबको भूख लगी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, वैसे भी इडली सांभर की तैयारी करने में टाइम ज़्यादा हो ही जाता है। तो यहाँ अद्दू पहले करें, मुझे खाना खा चुके हैं और अब बारी आ चुकी है मम्मी और बुआ की खाना खाने की। हाँ अब हम लोग खाना खा के सोएंगे। तो कल एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ है जो आपने बता दिया, क्या नहीं बताया ना? अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग ये हम लोग कल वाले ब्लॉग में ही आएगा, तो हम कल ही देंगे। नहीं बताया है, कल ही बताएंगे। हाँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे और अध्ययन के लिए है, तो चलो फिर देखते हैं। हाँ शायद बताया भी हो, तो वो तो आप लोगों को गेस करना है और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या हमने इस वीडियो में बताया कि कल क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो का हम यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।